पर मिला युवक का शव, आत्महत्या की आशंका। सिटी कोतवाली थाने के अशोक नगर में हुई घटना। ट्रक में हेल्पर था युवक। ट्रक के ऊपर एक युवक का शव बरामद हुआ है। सुबह जब लोगों ने देखा तो मृत अवस्था में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। युवक का एक दिन पूर्व पत्नी के साथ विवाद हुआ था, जिस पर पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। घटना सिटी कोतवाली अशोक नगर की है। गोकुल साहू 35 वर्ष निवासी हत्था थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी हाल मुकाम अशोक नगर थाना सिटी कोतवाली का बुधवार की सुबह ट्रक के ऊपर शव बरामद हुआ है। युवक ट्रक में हेल्पर का काम करता था। मंगलवार की रात वह अधिक मात्रा में शराब का सेवन किए हुए था और रात में ट्रक के ऊपर ही सो गया। सुबह जब मालिक ने देखा तो वह मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। युवक का एक दिन पूर्व पत्नी के साथ विवाद हुआ था, जिस पर पत्नी शिकायत दर्ज करवाने थाने आई थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने युवक के आत्महत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही मौत के कारण सामने आएंगे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। कौन है, क्या रहते हैं, क्या कहते हैं? वही नीचे किराए से रहते हैं। क्या नाम, क्या है पूरी घटना? इनका नाम गोकुल साहू। ये गाड़ी किसकी है? और गाड़ी हमारी। कैसे, क्या ये बॉडी? गाड़ी जो कल शाम को पिए खाए रहे दोपहर में, ये तो फिर कल शाम को 4 बजे पहले वहाँ सो रहे थे सरपट में। फिर इसके बाद शायद आए हैं तो वहाँ चौरा में सो रहे थे, फिर चले गए हैं रात में कहीं। फिर यहाँ कई बजे आए, कई बजे नहीं आए, तो यहाँ फिर गाड़ी के ऊपर सो रहे थे। हम सवेरे जब उठे तो देखें माई तिरपाल रखी थी आगे, तो पीछे आ गई, तो हम कहीं तिरपाल पीछे कैसे चली गई। जब फिर हम बताएं सब, हम देखें उनको उठवाएं, फिर उनके बच्चे से ही पानी उनी डलवाएं, तो वो बोले नहीं रहे थे कुछ, तो उनके वाइफ को बुलवा दिए। इनकी वाइफ है, दो बच्चे हैं, उनका साला है। काम क्या करते थे? ये काम कुछ नहीं करते, तो उनकी वाइफ वहाँ बोझा हो जाती है। हाँ, आरोप लगा रहे हैं मकान मालिक के ऊपर। ये गोकुल साहू है जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ विनोद के मकान में किराए से रहता था और मिनी ट्रक चलाता था। ये इसकी पत्नी का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता था और नशे की हालत में अक्सर रहता था। कल रात की बात भी है, किसी बात पर से पत्नी से विवाद हुआ, नशे की हालत में थी और बता रहा था, पत्नी को ही बता रहा था। पत्नी ने ऐसा अभी कथन दिया पुलिस में कि मैं ये चूहा मार दवा ले आया हूँ, ज़्यादा करोगे तो खा लूँगा। पत्नी अभी पुलिस की जाँच में तथ्य आ रहा है, फिर पुलिस अपनी जाँच कर रही लगातार। और उसके बाद ये किसी को उससे चला गया घर के बाहर। आज सुबह सुबह सूचना मिली कि वो अपने ही ट्रक में त्रिपाल ओढ़ के सोया हुआ था और कैरेट रखे हुए थे प्लास्टिक के उसके ऊपर। तो संभवतः उसने, जैसा प्रथम दृष्टया लग रहा है, कि कोई जहरीली पदार्थ उसने खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस कार्रवाई करा रही है पीएम रिपोर्ट के बाद और आगे के तथ्य के बाद वैधानिक कार्रवाई पुलिस कर रही है।